नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। हाँ जी फ्रेंड्स, और आपके लिए हम आज के वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, और ये क्वेश्चन आपको हम पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के यूनिट 6 के अंदर का क्वेश्चन है। हाँ जी, ये आपके सिलेबस के पार्ट जो है लॉजिकल रीजनिंग, उसका क्वेश्चन है। तो देखिए, हमने इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन कुछ फ्रेंड्स हमारे ऐसे थे जो कन्फ्लिक्ट थे, उसमें एनालॉजी का एक ऐसा मैटर आ गया था जिससे वो थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गए। तो मुझे लगता है कि आपको इसको फिर से समझना चाहिए, तो हमने आपके लिए क्वेश्चन फिर से लाया, और आशा करते हैं इतनी बेहतर तरीके से आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि अब की बार कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इसका आंसर बाद में कहीं पर भी अगर चाहेंगे तो निकाल लेंगे, वही आएगा जो हम आपको यहाँ पे बताएंगे सेम। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है कि जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिका या आधारिकाओं के परिणाम स्वरूप आए, तो वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। ओके, ऑप्शन है आपके चार यहाँ पे। पहला चक्रीय तर्क, ऑप्शन सेकेंड आपका बी है आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी है निगमनात्मक तर्क, या ऑप्शन डी है सादृश्य मूलक तर्क। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आपका जो आएगा, पहले हम बताते हैं कौन सा आएगा, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्यों आएगा। ये आपका ऑप्शन आएगा ओके निगमनात्मक तर्क, यानी कि डिडक्टिव लॉजिक या डिडक्टिव रीजनिंग। ओके, हम डिडक्टिव लॉजिक कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तर्क दिया गया है। ओके, तो देखिए डिडक्टिव लॉजिक होगा क्यों, अब आपको हम ये बताएंगे। तो देखिए, लॉजिकल रीजनिंग यानी आपके जो लॉजिकल रीजनिंग है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका आगमनात्मक, सेकंड आपका निगमनात्मक। ओके, टू टाइप है, यानी कि इंडक्टिव हो गया आपका आगमनात्मक, और डिडक्टिव हो गया आपका निगमनात्मक। तो देखिए, हमने कहा था आपको अगर याद होगा प्रीवियस वीडियो में कि इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक तर्क जो होता है, ये होता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि आपका विशिष्ट या जटिल से सामान्य की ओर, और इसमें सिद्धांत का निर्माण होता है। आपको क्लियर होगा अगर याद होगा तो, देखिए इसमें सिद्धांत का निर्माण होता है कैसे, जैसे हमने आपको बताया कि जमीन में आपके अर्थ में गुरुत्वाकर्षण होता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये जब पारित हुआ ओके, तो कैसे आपको पता है कि सेब के नीचे, पेड़ के नीचे बैठे होने पर आभास हुआ कि क्यों फल नीचे गिर रहे हैं। ओके, क्यों फल नीचे गिर रहे हैं, इसके मद्देनज़र जब सिद्धांत निकल के आया कि जमीन में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटी आया, तो बहुत सारे फैक्टर्स को देखा गया, बार बार चेक किया गया, और एक सिद्धांत पे पहुंचा गया। तो पहले ये जटिल मुद्दा था, फिर ये सामान्य मुद्दा बन गया। अब इसके आधार पे हम जान सकते हैं, हम देखते हैं कोई भी चीज़ कि जमीन की तरफ गिरती है, हम कहते हैं जमीन में यानी कि अर्थ में गुरुत्वाकर्षण है। ओके, जमीन में आपके अर्थ में ग्रेविटी है, आपको ये क्लियर हो गया। और अब आपका होता है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड क्या है, ये आपका निगमनात्मक तर्क। अब क्या है, इसमें सिद्धांतों के आधार पर समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, यानी कि जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए आधार बनाया जाता है। ओके, ये आधार बनाया जाता है, इसी के आधार पे कोई समस्या को सॉल्व करने की कोशिश किया जाता है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास सिद्धांत है, तो किसी सिद्धांत के आधार पे हम आगे भी रिसर्च कर सकते हैं, होता है ना कि आपके पास एक रिसर्च से रिजल्ट निकल के आए, उस रिजल्ट के आधार पे हम क्या करते हैं, आगे भी काम को चालू रख सकते हैं, आगे भी और रिसर्च को हम बढ़ा सकते हैं उसी के आधार पे। तो हमने कहा था, याद है अगर आपको, तो हमने कहा था जैसे कि राम मरणशील है, श्याम मरणशील हैं, यानी श्याम भी मर जाएंगे, ये मरणशील हैं, रहीम भी मरणशील हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पाया कि एक सिद्धांत बना कि सभी व्यक्ति मरणशील हैं,
ऑल मैन आर मॉर्टल, हमने यहाँ पे कह दिया, ओके हमने कह दिया तो सिद्धांत बन गया। अब इस सिद्धांत के आधार पे हम कुछ भी कर सकते हैं, तो ये है आपका इंडक्टिव, ओके आगमनात्मक में आपका सिद्धांत बन गया। अब निगमनात्मक में क्या हुआ, निगमनात्मक में देखिए हम कह रहे सिद्धांत, यानी ये सिद्धांत ही अगर हम लें तो इस सिद्धांत के आधार पर हम समस्याओं को, जटिल समस्याओं को सुलझाने का काम करें इसका आधार मान के, तो क्या मिला हमें, हमें मिला है कि सभी व्यक्ति मरणशील हैं, ये सिद्धांत मिल गया, ऑल मैन आर मॉर्टल। अब हमें कहते हैं कि राम भी मरणशील हो सकते हैं, श्याम भी मरणशील होते हैं, रहीम भी मरणशील होते हैं, तो क्या हुआ हम और भी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हमने इंडक्टिव में बहुत सारी ओके ऐसी समस्याओं के साथ निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, डिडक्टिव में हमारे पास सिद्धांत है, हमारे पास निष्कर्ष है, निष्कर्ष के आधार पे हम अपनी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये हो गया आपका डिडक्टिव मेथड। तो देखिए अब आते हैं क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिका, आधारिका क्या है यानी कि थ्योरी, कोई सिद्धांत के परिणाम स्वरूप आए, तो उस तर्क को यानी कि वह तर्क निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, यानी कि देखिए जब किसी तर्क का निष्कर्ष अंतिम रूप से अपनी आधारिका यानी किसी को आधार मान के चला जा रहा है, यानी कि सभी व्यक्ति मरणशील हैं, और अगर हम कहें कि राम भी मरणशील हैं, तो इसके थ्योरी के आधार पे हम कह रहे हैं कि राम भी मरणशील हैं, तो हम वो सॉल्व करके, हम इस सिद्धांत के आधार पे हम सॉल्व करके निकाल रहे हैं कि राम मरणशील है, ये जटिल मुद्दा हमने सुलझाया, तो वो कौन सा आया, वो आया निगमनात्मक तर्क, आपको याद रखना है। अभी हम आगे बताएंगे निगमनात्मक तर्क के बारे में पूरा डिटेल। तो देखिए इसमें ओके यानी कि आपके निगमनात्मक तर्क में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी पता है, सिद्धांत पता है, तो हमें सामान्यता है और हम विशिष्ट की ओर जा रहे हैं, विशेष समस्याओं को सुलझाने का, मुद्दे को सुलझाने का काम करेंगे, ओके। तो आपके निगमनात्मक तर्क में शिक्षण सूत्र सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रयोग किए जाते हैं, इसमें आपके जो स्टूडेंट शिक्षार्थी के सम्मुख पहले सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है तथा उसके पश्चात विभिन्न उदाहरण द्वारा उन सिद्धांतों को निरूपण किया जाता है, ओके। तो निगमनात्मक तर्क उच्च कक्षाओं के बड़े विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है, ये जान लीजिए, छोटे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि वो सिद्धांत को समझ के आगे के समस्याओं को, जटिल समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ओके। तो ये देखिए ये आपका आंसर आ गया। अब हम बताएंगे कि यहाँ पे निगमनात्मक तर्क क्या होता है, थोड़ा सा आपको डिटेल में यहाँ पे पता चल जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग, निगमनात्मक तर्क में पहले हम पूर्व स्थापित सामान्यीकृत तथ्यों के मान कर चलते हैं और फिर उसे विशिष्ट बातों पर लागू करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए सभी मनुष्य नाशवान हैं, यहाँ पे हमारे पास एक आधार है, ये सिद्ध किया हुआ है, ये एक सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत के अनुसार हम क्या कहते हैं कि मैं भी एक मनुष्य हूँ, यानी कि मैं भी नाशवान हूँ, यानी इस आधार वाक्य पे हम निष्कर्ष की तरफ यानी कि एक जटिल मुद्दा को सुलझा लिए, ओके। तो इस प्रकार निगमनात्मक तर्क में हम सार्वभौमिक तथ्यों यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ या सामान्य सिद्धांतों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो यही था आज का मुद्दा, हमने आपके साथ सुलझाया भी, और फ्रेंड्स आशा करते हैं आप उलझे नहीं होंगे, क्योंकि उलझाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम है सुलझाने का, और आपको हमने इस वीडियो में सुलझाया। तो फ्रेंड्स अगर उलझे हैं तो कृपया करके कमेंट करें, हम आपको फिर से कुछ न कुछ ऐसा माध्यम पेश करेंगे जिससे आप निगमनात्मक तर्क हो या आगमनात्मक तर्क हो उसको बहुत अच्छी तरीके से जान लेंगे, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।